सर मैंने आपसे काफ़ी लंबी वार्तालाप की आपके जीवन के बारे में, कैमरे से कुछ भी बात करने की कोशिश की कि आपका जीवन कैसा रहता है, क्या काम रहता है। सर अभी मैं देख रहा हूँ बकरी पालन आपने कवर कर लिया, आपका पूरा ये एरिया फैला हुआ है, काफ़ी लंबा संभा है सर। अभी मैं यहाँ भेड़ भी देख रहा हूँ सर, भेड़ आपके जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, कितना महत्व है भेड़ का सर? भेड़ में क्या है, जो उसके दूध है ना वो दवाई में काम आता है, जो सांधे का दुखावा होता है हाँ उसका वो घी में यूज होता है। अच्छा हाँ, घी बनाकर उसको यहाँ पे जहाँ भी दुखावा भी हो, जहाँ अगर कोई हड्डी टूट गई है उसको जोड़ने में उसको इसका दूध के अंदर साथ देती है थोड़ा सा दूध। इसका इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है सर? भेड़ का दूध इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें गर्माहट बहुत होती है और उसका ऊन होता है हाँ। स्वेटर बनाने में ऐसे जब काम आता है। तो आपको कितनी इनकम हो जाती है भेड़ पालन से? ये इसमें भी नस्ल होती है क्या अलग अलग? अभी क्या है सर, भेड़ का जो बाल होते हैं अभी कोई ले खरीद नहीं रहा है। अभी कोई नहीं खरीद रहा? अभी कोई नहीं खरीद रहा। कारण? और इसका तो पता नहीं क्योंकि पता नहीं ना सबको यहाँ पे भेड़ पालन हो रहा है। अच्छा सर, तो अभी ये ऊन आपने काटी है, ये आप खुद ही काटते हो या कोई आता है? हम खुद ही काटते हैं और डाल देते हैं कचरे में। कचरे में डालते हो सर? सर क्योंकि कोई लेने नहीं आता ना सर। ऊन का प्योर ऊन का आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में क्या कीमत रहती है सर? लेकिन कोई खरीदने नहीं आ रहा है ना। किसान भाइयों जो भी दर्शक मेरे सामने देख रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इनके पास एक बार आइए। इनके पास ऊन, अगर कोई ऊन का व्यवसाय कर रहा है तो इनके पास चारों तरफ भेड़ों का नजर दिख रही है आपको। मैं सामने भी और भी जूम करके दिखाता हूँ, इधर भी भेड़ पालन हो रहा है, काफ़ी अच्छी खासी संख्या में इनके पास भेड़ है, पर इनके पास मार्केट नहीं है, ये कहाँ सेल करें अपने प्रोडक्ट्स को। सो रिक्वेस्ट है कि इनसे एक बार संपर्क कीजिए, इनसे थोड़ा सा परचेज कीजिए जिससे कि इनका भी स्तर थोड़ा बढ़े। और सर इनका दूध वूध कितना बेच देते हो आप? इसमें दूध को क्या सर, सभी ऐसे दवा में ले जाते हैं लोग। दवा में ले जाते हैं, ऐसे खुला नहीं बेचता। कितना रुपए में जाता है सर दूध? अभी इसका 17 से 80 रुपए में जाता है लीटर। 17 से 80 रुपए। कोई परमानेंट कस्टमर होता है क्या ऐसे सर? नहीं, अलग अलग आते हैं। इसमें कोई नस्ल की बात करें तो कोई नस्ल रहती है? नहीं, उसमें नहीं होते इसमें। और इसके हमारे दूसरे होते हैं, वो सींग वाले आते हैं हाँ? लेकिन वो ये सादे सादे हैं। और सर आपके बारे में बात करें, आपकी शादी होगी? नहीं, मेरी शादी नहीं होगी। आप चाहते हो, आपने आपसे एक क्वेश्चन पूछना, आप चाहते हो आपके बच्चे भी इसी लाइन में आए? क्या सर, इस लाइन में नहीं लाना चाहोगे आप? उनको अच्छा खासा पढ़ा के उनका जीवन स्तर सुधारना चाहोगे सर? इनमें आपको भेड़ पालन में, ये मैं छोटे छोटे बच्चे देख रहा हूँ, इनको कहाँ बेचते हो, कौन ले जाता है सर? नहीं, ये तो पालने वाले ही करते हैं। पालने वाले ले जाते हैं? हमें ये दूसरे को नहीं देते। कत्ल खाने में वैसा नहीं है सर? बिल्कुल भी नहीं है ना सर? बिल्कुल भी नहीं। कितनी इनकी इनकम बात करें, 20-25 हज़ार रुपये महीने का हो जाता है सर? सर बकरी का जैसे होता है, बकरी का जैसे 5-6 हज़ार रुपये। और इनको खाने में क्या खिलाते हो, ये क्या खिला रहे हो? चारा होता है। ये क्या है अभी? ये अभी आमली का जो पाला होता है, भाई है जो आपके सामने दिख रही होंगी वो सामने वाला सर। सर एक बात बताइए, अभी आप रेंट पे रह रहे हो, ना आपके पास जमीन है खुद की, ना आपके पास चारा है, ना आपके पास पानी है, सारा आप खरीद के लाते हो फिर करते हो? पानी तो क्या माथे से लाना पड़ता है, हमारे पास ये घर पे नहीं आता पानी। पानी भी माथे से लाना पड़ता है? पानी भी माथे से लाना पड़ता है। कितना किलोमीटर चलाना पड़ता है सर? किलोमीटर नहीं चलना पड़ता है, रोड के उस साइड थोड़ा दूर का जो पानी का वो नल है वहाँ से लाते हैं। तो सरकार बिल्कुल आप पे ध्यान ही नहीं दे रही है सर? सरकार दे रही है लेकिन क्या वो क्या बोल रहे हैं कि आप काठियावाड़ के, इसलिए और रेंट पर है ना, इसलिए सब करते हैं। काठियावाड़ के ऊपर आप लोगों को जागरूक कर रहे हो? नहीं समझ रहे ना, हम अच्छी चीज प्रोवाइड कर रहे हो, अच्छी चीज़ आप दे रहे हो, ऑर्गेनिक प्योर दूध दे रहे हो। अगर आपको यहाँ पे और आगे आप कुछ बढ़ाना चाहोगे भेड़ पालन में, कुछ और आपको क्या समस्याएं आती है, थोड़ी समस्याओं के बारे में बताइए कि बकरी पालन में भेड़ पालन में आपको उसमें क्या रहता है? अभी भेड़ को भी जो बारिश की मौसम आती है तब उसमें पैर में वो हो जाता है। अच्छा, लूले लंगड़े हो जाते हैं? लूले लंगड़े हो जाते हैं सर, ऐसा कारण में क्या है? इसके कारण क्या है, वो सब भीने में चलते हैं ना हाँ? वो उसके जो खरिया होते हैं वो हाँ? बहुत नाजुक होते हैं। अच्छा हाँ, गाय भैंस के तरह नहीं होते मजबूत। बीमारी मारी तो नहीं आती इनके मुंह पटा नहीं आती ना? वो पहले आती थी, अब नहीं आई, वैक्सीन लगा ली ना उसको, इसलिए वैक्सीन आती है। अगर मैं बताना चाहूँगा दर्शकों, अगर आप ये चीज देख रहे हो, आप बड़े ऐसी एरिया में रहते हो, बड़े मल्टीपल कंपनीज में काम करते हो, इनका जीवन स्तर देख लीजिए आप एक बार, ये खुला वातावरण है,
खुले के अंदर ये इनका पूरी दिनचर्या यही रहती है। चारों तरफ आप सामने देख सकते हो, खुला एकदम चारों तरफ इनके घर बने हुए हैं। ये पढ़े लिखे भी हैं, इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, 12th पास कर रखी है, पर इनको अभाव है, रिसोर्सेज का अभाव के कारण इनको ये जीवन काल जीना पड़ रहा है। अगर सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी, आप लोग इनसे जुड़ेंगे, तो इनको जो अपन फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे जो ब्रांडिंग वाला काम अपन को मिल रहा है वो भी ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा इनको स्किल्स की ज़रूरत है, थोड़ी सी इनको नॉलेज की ज़रूरत है। वो लोग आप इनकी हेल्प करिए, इनका थोड़ा सा जीवन काल सुधारने की कोशिश कीजिए, जिससे कि इनका भी जीवन बढ़ सके, आगे बढ़ सके। सर सर कुछ दो शब्द कहना चाहोगे, फिर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। सर थोड़ा दो शब्द बताइए अपने बारे में कि आप क्या आगे उम्मीद करते हो लोगों से। हम लोगों से इतना क्या जाते हैं, जो डायरेक्ट हमारे पास आते हैं तो उसको भी फायदा रहेगा और हमें भी फायदा रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्योर दूध मिलता है। प्योर दूध मिलेगा, प्योर नस्ल मिलेगी, किसी को खरीदना है तो भी आ सकते हैं। गाय का, भैंस का, बकरी का और भेड़ का, सबका दूध मिलता है यहाँ। सब सब चीज़ें आप सामने देख सकते हैं। एक बार मैं फिर 360 आपको घुमा के बताना चाहूँगा। दूध यहाँ भी मिल जाता है, ये सामने देखिए किसान, ये इधर इनका, ये अंकल जी, इनके पिताजी, देखिए कितना अच्छा शानदार वातावरण है। सर आप सर मिलजुल के रहते हैं सारे? हाँ जी सर, कोई समस्या नहीं आती? कोई समस्या नहीं। आपको कोई यहाँ के लोकल लोग परेशान तो नहीं करते सर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, शांति है बिल्कुल। सर सर इन्हीं शब्दों के साथ आपका तहे दिल से धन्यवाद। सर एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर और बता दीजिए, लोग आपसे जुड़ सके। सर 7203861006। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम सर? जगदीश। जगदीश जी आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ सर, जो सामने दर्शक भाई है या जो किसान भाई देख रहे हैं, वो जरूर आपसे संपर्क करेंगे। अगर उनको घी चाहिए, गाय चाहिए या कुछ भी चाहिए, बकरी चाहिए, तो वो आपके पास आएंगे। और मेरी ये आपका जो जीवन काल है, इसको मैं अगर 2 साल बाद में आऊँगा तो ज़रूर आप में इसमें परिवर्तन मेरे को मिलेगा। सर इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। सर थैंक यू सर।